अगर गुरुजी ने कहा है कि अपने परिवार के किसी की नर बलि देने से मेरा राजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मैं ये बलि जरूर दूंगी। नेहा, तुम्हारे कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कपड़े पहनने का? हाँ रेणुका, यहाँ देख जरा इसे कैसे कपड़े पहन के रखे हैं। समझा अपनी भांजी को? अरे तुम्हारी बहन ने इसे बचपन में यहाँ छोड़ा था, किस लिए? ताकि पढ़ लिख कर ये कुछ बड़ा करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ऐसे रोशन करे ये नाम अपना, हाँ? और इसे देख, इसको देख के तुम्हें लग रहा है कि इसका पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान है? ताकि इसे फैशन शो में जा रही है। अरे दीदी, ये तो आजकल का फैशन है। इस उम्र के लड़के लड़कियां ऐसे ही स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, क्यों नहीं? हाँ नहीं चलेगा यहाँ पर ये सब। देखो बेटा, तुम्हें फैशन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना है ना। जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, समझे ना बेटा? तारे पुत्र। मम्मी अब फटाफट ना मेरा नाश्ता लगा दो, एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। हाँ जरूर बेटा, नाश्ते से पहले ना ये ले प्रसाद खा ले, ईश्वर की दया से तेरा एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। मेरा बेटा हर बार की तरह इस बार भी टॉप करेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे पूछे बिना मेरे शेयर्स कैसे होल्ड कर सकते हो? और तुम्हारी वजह से मेरा सारा पैसा ब्लॉक हो चुका है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप? मम्मी अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। बेटा नाश्ता तो करके सो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट ब्रो। ये शेयर मार्केट में कब तक अपनी नसीब आजमाता रहेगा? अपना इतना बड़ा बिजनेस है, कारोबार है, पापा के जाने के बाद मैंने तो ये सब संभाला है, वो भी अकेले। लेकिन अब मैं थक गई बेटा, अब तू ये सब संभाल और शादी करके जिंदगी में आगे बढ़। अच्छा सुन, मैंने तुझे कल कुछ लड़कियों की फोटोज भेजी थी, कोई पसंद आई उसमें से? हाँ मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ है और आपको शादी की पड़ी है? बेटा एक बार शादी कर ले, हो सकता है कि उस लड़की के भाग्य से तेरा भी भाग्य बदल जाए। और मुझे तो बेटा तेरी शादी से बहुत खुशी होगी। आपको खुश करने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं, और 50 बार बोल चुका हूं मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मुझे शादी करनी है, तो दोबारा मुझे शादी के बारे में मत बोलना। तेरी ये सब नहीं चलेगी मेरे आगे, समझा ना? आज नहीं तो कल शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। अरे ये कौन सा तरीका है इसका? दीदी आपको राजन से ऐसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये शादी की बातें बातें। देखो मेरे बेटे से किस तरह से बात करनी है ये तुम मुझे मत सिखाओ, जिसे देखो मुझे सिखाने चला है।
नेहा बेटा। जी बड़ी माँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जी। बेटा, तुम और राजन बचपन से एक साथ खेले कूदे बड़े हुए, तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को समझते हो। तो मुझे बताओ बेटा, आखिर राजन शादी क्यों नहीं करना चाहता? राजन, तुम्हें अपनी माँ की खुशी के लिए शादी कर लेनी चाहिए, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। चाची जी, आप तो जानती हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। अगर मैं कहीं और शादी कर लूंगा तो आपको प्यार कौन करेगा? और मैं अपना प्यार किसी के साथ बांटूंगी भी नहीं, और ना ही किसी को इस घर में आने दूंगी, समझे? बड़ी माँ, आजकल के लड़के इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और राजन भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, शायद इसीलिए वो शादी ना कर रहा हो। और हो सकता है उसको ऐसा लगता हो शादी करके किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाना और वो आपका ख्याल ना रख पाए, तो हो सकता है राजन इसलिए शादी से दूर भाग रहा है। और जहां तक मैं राजन को जानती हूँ तो वो आपका बहुत ख्याल रखना चाहता है। अरे छोड़ो ना, घर में सब लोग जगे हुए हैं, क्या कर रहे हो? लेकिन राजन का ख्याल रखने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी कोई अच्छी जीवन साथी उसके जीवन में आ जाए। बेटा, वो मेरी बात तो मानता नहीं है, पर तुम्हारी जरूर सुनेगा। तुम एक बार बात कर लो उससे, मुझे लगता है कि शायद वो किसी लड़की से प्यार करता है या किसी लड़की के चक्कर में है, लेकिन मुझे नहीं बता पा रहा है। तुम एक बार पूछो ना बेटा, तुम्हें जरूर बताएगा। जी बड़ी माँ। मैं चलती। तुम्हारे चाचा ने तो सिर्फ मुझसे नाम के लिए शादी की थी, दो दिन के लिए घर आते हैं और सालों बाहर रहते हैं, उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, और तुमने मुझे भरपूर प्यार दिया। लेकिन लेकिन क्या दीदी, तुम्हारी शादी करवाने के पीछे पड़ी है, कल को तुम्हारी शादी हो गई तो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और शादी करूंगा? मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा इसी घर में। अच्छा? हाँ। अरे यश के सोने का टाइम हो गया, उसे दूध देना है, तो मैं अभी गई और अभी आई। थोड़ी जल्दी आना प्लीज। हाँ। अरे दीदी आप, मैं तो वो राजन को समझाने गई थी कि अपनी माँ की बात मान ले और शादी कर ले, पर वो तो जिद लगाए बैठा है, किसी की सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसे मानना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे को भड़का रही है ताकि वो कभी भी शादी ना करे और मेरे मरने के बाद ये मेरे घर पे राज करे? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मुझे पता था तुम आओ। बेबी चलो गेम शुरू करते हैं। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। नेहा, यश को उसके कमरे में लेके जाओ। यश चलो 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 यश। रेणुका, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ इस कमरे में, क्या हुआ था? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या राजन मेरे कमरे में फोन का चार्जर लेने आया था। बातों बातों में मैंने उससे शादी की बात निकाली, वो तो मुझ पे ही भड़क गया, अपना आपा खो बैठा और ये अजीब अजीब से वो हरकतें करने लगा। दीदी दीदी मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है राजन को किसी ने अपने वश में कर लिया है। तभी तो वो शादी की बात सुनते ही हम पर चिल्ला पड़ता है। दीदी हमको कुछ करना चाहिए। मैं गंगा से लेके वाह राजन, शादी ना करने का तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अब आएगा असली मजा। हे भगवान, सारी पापी आत्माओं को इस घर से निकाल दो और जादू टोना करने वालों का नाश कर दो और मेरी बेटी को फिर से अच्छा कर दो प्रभु। Thank you.
क्या खूब बेवकूफ बनाया माँ का, अब कभी मेरी शादी की बात नहीं करेगी और मैं यहाँ मजे करूंगा। वैसे भी जब अपने घर में बिरयानी मिल रही है तो बाहर का रूखा सूखा कौन खाएगा। हेलो, हाँ सुनो। कहते हैं प्यार में दर्द हो तो जीने का मजा ही कुछ और होता है, और वैसे भी हमारे रिलेशन की शुरुआत तो दर्द से ही हुई थी। जब तुमने पहली बार मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने तुम्हें खुश नहीं किया तो तुम मेरी प्राइवेट वीडियो वायरल कर दोगे, तब तो मुझे लगा तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। पर जब तुम्हारे साथ एक रात गुजारी तब तो तुम मुझे बहुत बेस्ट लगे। मजबूरी थी। कैसी मजबूरी थी? एक्चुअली वो अब तो ही बता मैं क्या करती। दीदी मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, हम माँ और बड़ी माँ को बता देते हैं ना। नहीं नहीं ऐसी गलती कभी मत करना, अगर उसे पता चल गया ना वो हम सबको मार डालेगा। दीदी फिर हम क्या करेंगे? जब तक सब सही नहीं हो जाता हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तो प्लीज चुप रहना। ठीक है दीदी मैं नहीं कहूंगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे कोई देख लेगा। जैसे देखना है देखने दो, जिसे आना आने दो, अब मुझे किसी का डर नहीं। वैसे भी ऐसा लगता है कि आज रात तक इंतजार कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी चलें। छोड़ो मुझे, अरे अभी बहुत सारा काम पड़ा है, बाद में। काम बाद में हो जाएगा? नहीं ये काम जरूरी है, चलो ना चलो। राजन, राजन। चाची सुबह सर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो ना। मैं देवी माँ के मंदिर में जा रही हूँ, तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम भी आ जाओ। चलो बेटा चलते हैं। चलो आज छोड़ो मुझे। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अगर आइंदा मेरे पास आई या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा, समझी? राजन राजन क्या कर रहे हो? ला चाकू मुझे दो। दीदी राजन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इस समय लगता है इसे आराम की जरूरत है, मैं इसे कमरे में लेकर जाती हूँ। राजन चलो।
मेरा बेटा अपनी माँ से बात करते हुए इतना भड़कता है, लेकिन अपनी चाची के साथ कितना खुश है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि इस रेणुका ने जरूर मेरे बेटे पे कोई जादू टोना कर दिया है। अब गुरुजी ही मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। अगर गुरुजी ने कहा है कि अपने परिवार के किसी की नर बलि देने से मेरा राजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मैं ये बलि जरूर दूंगी। दी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, मुझे इसे रोकना ही होगा। मुझे मम्मी को सब बताना होगा। अरे यार जल्दी आ जाओ, रहा नहीं जाता मुझसे। आज तुम इस साड़ी में ना कयामत लग रही हो, और ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ इस पलंग को तोड़ डालो। तो फिर देर किस बात की है, तोड़ दो पलंग। वैसे भूत वाला नाटक करके माँ का अच्छा बेवकूफ बनाया। अब वो जिंदगी भर डरती रहेंगी और ना ही मुझे कभी शादी के लिए बोलेंगी, और मैं जिंदगी भर इसी कमरे में रहकर तुम्हारे साथ मजे करूंगा। हम बातें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? बड़े चलते तो हाँ ठीक है।
मम्मी। यश बेटा मेरी बात तो सुनो। राजन भैया तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो। तुमने मेरी मम्मी और मैं जानता हूँ तुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन मेरी बात जो तू सोच रहा वो सब गलत है। मेरे सब बाहर चल, तुझे सब कुछ समझाता हूँ। चल 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 बात सुन मेरी, दूर हटो मुझसे। तुम जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। देखिए मैं जानता हूँ तू इस वक्त गुस्से में, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन ले। मुझे तुम जैसे झूठे और घटिया इंसान की कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरी माँ और नेहा दी। दोनों को तुमने हवस का शिकार बनाया। मेरे पास सुन मेरे भाई पहले। और तुमने सिर्फ मेरी माँ और नेहा दी को ही नहीं, बल्कि तुमने तो बड़ी मम्मी को भी धोखा दिया है, वो भूत वाला झूठा नाटक करके। तुम तो जानवर से भी बदतर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुझे जो करना है वो करते रहना, जितना बुरा बोलना उतना बोल लेना, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। पहले मेरी बात तो सुन यार। हे भगवान, यश ने सब देख लिया, पता नहीं क्या होगा। राजन गया तो है, तक आया क्यों नहीं है? कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं जाकर देखते हो। क्या हुआ, यश ने क्या कहा? तुमने बात की ना उससे? कहीं वो किसी को बता ना दे। यश को मैंने समझा दिया और वो समझ गया, बच्चा नहीं है वो, छोटा समझदार लड़का है। उसको मैंने बता दी है कि ये सब अनजाने में हुआ है, हमने कोई जानबूझ के नहीं किया। और उसे ये भी कहा है कि वो इस बात को किसी से ना कहे, और वो नहीं कहेगा तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गई? सुनो, तुम जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना क्योंकि कल मकर संक्रांति है। ठीक है, सो जाओ, जाओ और चिंता मत करना। जाओ सो जाओ, जाओ। आज मौसम काफी रोमांटिक है ना? हाँ। तो कहीं बाहर चलें? हम तैयार हैं, बताओ कहाँ चलना है? गोवा चले? चलो। तुम दोनों ने यश को कहीं देखा क्या? मैंने तो यश को आज सुबह से नहीं देखा है। क्या? हाँ। मैंने देखा तो उसे सुबह, वो पतंग लेकर बाहर की तरफ गया था, शायद मैदान की तरफ गया होगा क्योंकि आज सभी लोग वहां इकट्ठा हुए हैं पतंग उड़ाने के लिए। पर बिना बताए कहाँ चला गया, उसने कुछ कहा भी नहीं। मासी आप टेंशन मत लो, मैं बाहर जाके देख के आती हूँ। हाँ जाओ। सुनो, मुझे लगता है कि वो रात की बात से नाराज, इसलिए वो तुम्हें बताए बिना चला गया। सुबह मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। डरो मत, चलो चलते। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, यश बिना बताए घर से बाहर रहा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मासी आप रो मत, यश आ जाएगा। हाँ रेणुका मत रो, वो गया है ना राजन उसे ढूंढने के लिए, वो बस उसे लेकर आता ही होगा। क्या हुआ राजन,
यश कहाँ है और तुम अकेले क्यों आए हो? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यश कहाँ है? चुप क्यों खड़े हो? चाची जी, मैंने पूरा मोहल्ला छान लिया, कितने लोगों से पूछ लिया, लेकिन यश का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस वाले आते ही होंगे। अरे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुझे पता है ना, आज तक हमारे घर में कभी पुलिस आई ही नहीं। पर यश का क्या है, वो गया होगा कहीं घूमने अपने दोस्तों के साथ गया होगा। बड़ी माँ, मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया है, बट वो कहीं नहीं है। अरे तो जाओ ना, ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी पार्क में होगा, सिनेमा हॉल में होगा, मॉल में होगा, जाओ ढूंढो उसे। कहीं बाहर जाकर समय खराब करने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले आते होंगे, वो सब कुछ देख लेंगे खुद ही। आखिरी बार यश को किसने और कब देखा? जी, मैंने देखा। कब? यही तकरीबन 7-7:30 बजे। वो सुबह पतंग लेकर निकला था, शायद मैदान की तरफ गया होगा पतंग उड़ाने के लिए। हमें लगा कि शाम तक आ जाएगा, लेकिन जब वो शाम को वापस नहीं आया तो फिर हम लोग उसे ढूंढने के लिए निकले थे। और क्या वो इसी तरह पहले भी घर के बाहर इतनी देर रात तक रहता था? जी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए, प्लीज। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप मुझे यश का फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आसपास के सभी थाने में सर्कुलेट कर देंगे। क्योंकि यश बालिक है तो हमें कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा, और अगर फिर भी वो नहीं लौटा तो हम इस सारे एरिया की अच्छे से छानबीन करेंगे। और अगर आप लोगों को और कुछ भी पता चले तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे यश का कुछ पता चला क्या? रेणुका जी, आई एम वेरी सॉरी, हमें यश की बॉडी मिली है। पास के मैदान में किसी ने उसका गला काट कर उसकी लाश को वहां फेंक दिया था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे यश को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, संभालिए अपने आप को, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या बीतती है, लेकिन हमें यश के कातिल तक जल्दी पहुंचना है। उसके बॉडी के साथ हमें ये माला मिली है और कुछ पूजा का सामान मिला है। लगता है किसी ने तो जादू टोने के चक्कर में उसकी बलि चढ़ा दी है। ये माला तो माँ की है, पूजा की माला। ये माला तो दीदी की है, अपने हाथों में लेकर पूजा पाठ करती है। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अंधविश्वास में तुमने यश की बलि चढ़वा दी हो? नहीं बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये माला दीदी अपने हाथों में लेकर पूजा पाठ करती है, मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही मेरे बेटे का खून किया है। नहीं, 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 अपने बेटे राजन की शादी करवाने के चक्कर में घर में कुछ दिनों से अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया है। देखिए, सच क्या है और झूठ क्या है उसका पता हम करेंगे। आपको फिलहाल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, ले चलो इन्हें। नहीं नहीं, बात को सुने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने। मासी, कुछ खा लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। नेहा, मुझे भूख नहीं है, ले जाओ इसे। थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, ले जाओ इसे। मौसा जी का कॉल आया था,
वो बोल रहे थे वो आज शाम तक आ जाएंगे। मेरे बेटे की बलि चढ़ाकर आपको चैन नहीं मिला जो अब आप यहाँ चली आई हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपने इस हत्यारण को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सुरभि जी ने आपके बेटे की हत्या नहीं की। ये सच है कि राजन की शादी कराने और उसे ठीक कराने के लिए दिन रात पूजा पाठ करती थी, यहाँ तक कि गुरुजी की बातों में आकर मैंने यश की बलि देने के लिए भी सोचा था, लेकिन मैं कर नहीं सकी। अपने सुख के लिए मैं अपने घर के बच्चे की बलि नहीं दे सकती थी। हमने केस की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की है और हमें ये पता चल गया है कि सुरभि जी बिल्कुल निर्दोष है। बल्कि असली कातिल तो कोई और है। इंस्पेक्टर साहब, असली कातिल कौन है? यश की हत्या सुरभि जी ने नहीं बल्कि उनके बेटे राजन ने की है। इंस्पेक्टर साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? मैं कह देता हूं आपको, मैंने कुछ नहीं किया। ए, पकड़ो उसे। अब सब कुछ यही बताएगा कि थाने ले चल के पूछताछ करूं। मैंने यश को मारा। राजन, राजन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। क्यों मेरे यश को मारा? छोड़ो मुझे। अब ये बताओ कि यश को मारने की वजह क्या थी? क्योंकि यश को पता चल चुका था कि मेरे संबंध रेणुका के साथ। नेहा के साथ भी थे। जब यश ने पहली बार मुझे नेहा के साथ देखा तो नेहा ने उसे समझा दिया था कि मेरे से ऊपर कोई साया है और वो ये बात किसी को ना कहे वरना मैं सबको मार दूंगा, और वो डर गया तो उसने बात किसी को नहीं कही। लेकिन उस रात जब मैं रेणुका के साथ एक कमरे में था तब यश ने वैसे भूत वाला नाटक करके वहां का अच्छा बेवकूफ बनाया। अब वो जिंदगी भर डरती रहेगी और ना ही मुझे कभी शादी के लिए बोलेगी। राजन भैया, हम दोनों को एक साथ देख लिया था और उसे मालूम पड़ चुका कि मेरे ऊपर कोई साया नहीं है तो बस। और फिर उस रात मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हें झूठे इंसान की। मैं पापा को फोन करूंगा और तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? बात आगे बढ़ जाएगी। मैं पापा को सारी बातें बता दूंगा। मेरी बात सुनिए, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। किसी को We'll be right back.
उसे मारने के बाद मैंने उसे पास के मैदान में फेंक दिया। और फिर मां की माला और पूजा का सामान उसके पास में रख ताकि सारा इल्जाम मां के ऊपर आ जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें यह साफ साफ पता चल गया कि यश का गला धागे से काटा गया और ये वही मांझा है जो हमें तुम्हारी गाड़ी से बरामद हुआ। मुझे तुम पर पहले ही शक हो चुका था जब तुमने कहा कि तुमने यश को सुबह 7:30 बजे के करीब मैदान की तरफ जाते हुए देखा, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये साफ साफ कहती है कि यश की मौत उससे पहले हो चुकी थी। अब ये बताओ कि इन सब चक्करों में तुमने अपनी मां को क्यों फंसाया? क्योंकि मैंने पंडित जी की बात सुन ली थी, उन्होंने उन्हें आइडिया दिया था नरबली का, वहीं से मुझे ये आइडिया आया। जब यश को सब कुछ पता चल चुका था तो मेरे पास उसको मारने के दो फायदे थे। पहला ये कि मेरा राज किसी को पता नहीं चलेगा और दूसरा ये कि उसके खून के इल्जाम में मां को सजा हो जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगा, पूरी तरह से आजाद। अभी अपनी ये आजादी जेल में चल के मनाना। तू जैसा पापी मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तेरी भलाई के लिए मैं उस मासूम यश की बलि देने वाली थी, लेकिन नहीं कर पाई। मेरा दिल नहीं माना क्योंकि क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन तूने तूने अपनी अय्याशी के लिए अपने भाई की जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए ताकि फिर कोई इंसान इस तरह की घटिया हरकत ना करे। ले चलो इसे।